नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस 18 का घर में आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। दोस्तों रैंकिंग जो टास्क है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा और दो जो कैदी हैं अरफीन खान और अविनाश मिश्रा उनको सबसे बड़ी पावर बिग बॉस के मेकर्स देते हुए नजर आएंगे कि उनके अकॉर्डिंग टॉप की कंटेस्टेंट कौन है रैंकिंग टास्क में, जिसके बाद सबसे बड़ी नाइंसाफी करते हुए नजर आएंगे अरफीन खान और अविनाश मिश्रा और नाइंसाफी करेंगे करणवीर मेहरा और चाहत पांडे के साथ। जी हां, जहां पर अरफीन खान और अविनाश मिश्रा के अकॉर्डिंग टॉप के कंटेस्टेंट है, नंबर वन पर है रजत दलाल, नंबर टू पर है विवेंद्र सेना, नंबर थ्री पर है शिल्पा शिरोडकर, नंबर चार पर है सारा अरफीन खान, नंबर पांच पर है ईशा, नंबर छह पर है श्रुतिका, नंबर सात पर है एलिस, नंबर आठ पर है यहां करणवीर मेहरा, नंबर नौ पर है चाहत पांडे और नंबर दस पर है शहजादा धामी। यहां पर करणवीर मेहरा और चाहत पांडे के साथ अविनाश और अरफीन दोनों ही बड़ी ही नाइंसाफी करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद यहां पर करणवीर मेहरा और चाहत पांडे इसका जवाब जो है देते हुए नजर आएंगे अविनाश मिश्रा और उसके पूरी की पूरी टीम को अनबायसनेस का टैग देते हुए घर के जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे और घर में होगी बड़ी बड़ी लड़ाइयां। जी हाँ, जहां पर अविनाश मिश्रा को इस बात का एक्सप्लेनेशन देना होगा कि रजत दलाल नंबर वन पर कैसे हैं। जी हाँ, और आठवें नंबर पर और नौवें नंबर पर करणवीर मेहरा और चाहत पांडे जो है वो कैसे हैं, ये देखना काफी ज्यादा जो है वो दिलचस्प रहेगा दोस्तों घर के अंदर जो ये अपकमिंग एपिसोड में ये लड़ाइयां होंगी। तब इसके साथ ही साथ घर में एक खास सेगमेंट भी रखा गया है, फ्यूचर वाला सेगमेंट, जिसके तहत आपको बताना चाहते हैं शिल्पा शिरोडकर को मतलब एक कन्फेशन रूम में बुलाया जाएगा बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा, जहां पर एक मिरर होगा, एआई वाला मिरर, एआई वाले मिरर में, एआई वाला जो मिरर है वो पास्ट में भी लेकर जा सकता है और यहाँ पर प्रेजेंट में भी ले जा सकता है और साथ ही साथ फ्यूचर में भी ले जा सकता है। तो पास्ट में ले जाएगा, जहाँ पर बताना चाहते हैं शिल्पा शिरोडकर जो है दूसरों को रुलाया करती थी, अपनी शख्सियत से दूसरों को हंसाया करती थी, आज वही शिल्पा शिरोडकर, बिग बॉस के मेकर्स बोलेंगे कि आज वही शिल्पा शिरोडकर जो है खुद रो रही है, खुद का ओपिनियन स्ट्रांगली वो रख सकती हैं लेकिन वो स्ट्रांगली रख नहीं पा रही हैं। ये बात जो है वो कहते हुए शिल्पा शिरोडकर का हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, यहां पर कोई और नहीं बल्कि बताना चाहते हैं बिग बॉस के मेकर्स। इसके बाद राशन टास्क आने वाला है और उस राशन टास्क में घर में मचेगा बड़ा बवाल। इसमें एक बार फिर पावर मिलेगी शिल्पा शिरो मतलब यहां अविनाश मिश्रा और अरफीन खान को, अब इन दोनों को पावर मिलेगी और राशन टास्क में घर वालों को बलिदान देना होगा किसी ना किसी अपने पर्सनल आइटम्स का। यहां पर सबसे पहले ईशा आएंगी, ईशा को बलिदान देना होगा अपनी मां के द्वारा, जो उसके पास जो शॉल रहता है उसे। ईशा काफी ज्यादा रोते भिलकते हुए नजर आएगी और काफी ज्यादा ड्रामा करने वाली है और अविनाश मिश्रा उसे रोकते हुए भी नजर आएंगे और चाहत पांडे यहां पर एक्सपोज भी कर देगी ईशा सिंह को कि तुम पूरी तरह से नौटंकी कर रही हो यहां पर। अब इसके बाद करणवीर मेहरा जब आएंगे तो करणवीर मेहरा को ये कहेंगे, करणवीर मेहरा को भी बलिदान देने के लिए कहेंगे, लेकिन करणवीर मेहरा को यहां पर घमंड तोड़ना है अविनाश मिश्रा का और वो अविनाश मिश्रा का घमंड तोड़ते हुए ये कहते हुए नजर आएंगे कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मैं इसके हाथ का राशन जो है वो नहीं लूंगा और इसके हाथ से राशन लेकर मैं खाना पकाकर मैं नहीं खाऊंगा, मेरी पैरों की उंगली, मेरी पैरों की जो नाखून है वो भी मैं दान देना नहीं चाहूंगा, बलिदान देना नहीं चाहूंगा, ये बात जो है वो कहते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं अरफीन खान और अविनाश मिश्रा दोनों को और स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखते हुए नजर आते हैं दोस्तों, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से घमंड जो है वो टूट जाता है और वाकई में करणवीर मेहरा एक स्ट्रांग प्लेयर की तरह लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों राशन टास्क में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।